नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। 2 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पर सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकवादी हमला हुआ। हमले में 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी, आतंकी हमला हुआ, 5 जवान इसमें घायल हुए हैं। घात लगाकर आतंकी वहां बैठे थे, हमला किया, 5 जवानों के घायल होने की खबर आ रही है इसमें, और सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेर रखा है। कमलजीत संधु इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलजीत, क्या अपडेट है इस खबर पर? अब से 1 घंटा पहले आतंकी हमला हुआ है। हमें बताया गया 110 बटालियन सीआरपीएफ के जो जवान है, जब रोड ओपनिंग पार्टी यानी आरओपी भी जा रहे थे, तो 12:50 के करीब एम्बुश लगाया है 2 आतंकियों ने, और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की है। इसमें 5 सीआरपीएफ के जवान, जिसमें से 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, उनको गनशॉट वुंड्स लगे हैं, वो घायल हुए हैं। रिटेलिएटरी फायर भी हुआ है और एरिया भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। फिलहाल इन 5 जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिर जाहिर सी बात है, जो सितंबर अक्टूबर का महीना है, यानी बर्फ गिरने से पहले, इस तरह के आतंकी हमले अक्सर बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले आईजी कश्मीर जो कि विजय कुमार है, उन्होंने कहा था कि श्रीनगर मिलिटेंट फ्री हो गया, टेरर फ्री हो गया है, पर उसके बाद हमने देखा है कि धीमे धीमे जो टेरर अटैक्स है वो बढ़ रहे हैं। और ये जो इलाका आता है पामपोर का, जो बाईपास का इलाका है, गांधी जल ब्रिज के पास हुआ ये घटना, ये तकरीबन 30 मिनट की दूरी पर है श्रीनगर से, और एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसका जवाबी कार्रवाई फायरिंग से की है सीआरपीएफ ने। कमल जी, बता पाएंगी कि आतंकियों के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई, क्योंकि पूरे इलाके को घेरा हुआ है वहां पर, और आतंकियों की तलाश जारी है। 2 थे, 2 से ज्यादा थे, क्या ये पूरा एक नेटवर्क है जो पूरे इलाके में सक्रिय है? जी, आपको पता होगा कि ये टेरर प्रोन इलाका है। हमें बताया गया कि एम्बुश लगाया गया, आसपास प्लांटेशन था जहाँ पे 2 आतंकी छुपे हुए थे, यानी घात लगाया हुआ था, एम्बुश लगाया हुआ था, और उन्होंने मौका देखते ही आरोपी पे, यानी 110 बटालियन के जब आदमी जवान रोड ओपनिंग पार्टी के लिए आगे बढ़ रहे थे। कमलजीत आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर पर नजर आई, लेकिन इस वक्त फिलहाल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं सुनते हैं। कोई सीट दी थी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, यहां से विधायक बने थे, बाद में प्रदेश सरकार में उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी। पार्टी ने उनकी सेवाओं को और विस्तार दिया और वे आगरा से माननीय सांसद हुए। आज वे एक सांसद के रूप में अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। यह सीट खाली हुई, उपचुनाव के लिए इस सीट के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना है। भारतीय जनता पार्टी की सीट थी तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, ये हमारा संकल्प एक इस बात को लेकर। कोरोना कालखंड के दौरान, उसके उपरांत भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रदेश संगठन महामंत्री जी ने वर्चुअल संवाद के माध्यम से या भौतिक उपस्थिति के माध्यम से समय समय पे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और उनका उत्साहवर्धन करके जिस प्रकार की कार्य योजनाएं आप सबके सामने प्रस्तुत की, उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ जुड़ने के लिए मैं आया हूं। आप याद करिए, कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान भी मैंने एक बार बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाया था। संवाद का ध्येय यही था कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य ये जो हुए हैं, कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा संकल्प है। लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। विकास हर द्वार तक पहुंचाएंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट और भ्रष्टाचार फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे। और इसी बात को लेकर के सरकार कार्य कर रही है, और मैं इसीलिए आज आपके बीच एक वर्चुअल संवाद के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं।
प्रदेश के अंदर 7 उपचुनाव घोषित हुए हैं, स्वाभाविक रूप से टुंडला भी है। आपने पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी को ये सीट दी थी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी यहां से विधायक बने थे, बाद में प्रदेश सरकार में उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी, पार्टी ने उनकी सेवाओं को और विस्तार दिया और वे आगरा से माननीय सांसद हुए, आज वे एक सांसद के रूप में अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। यह सीट खाली हुई, उपचुनाव के लिए इस सीट के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना है, भारतीय जनता पार्टी की सीट थी तो भारतीय जनता। आगे बढ़ेंगे, क्या हाथरस में इंसाफ की लड़ाई के बहाने दंगा भड़काने की साजिश की जा रही थी? क्या हाथरस को जातीय दंगे की प्रयोगशाला बनाने का प्लान था? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि हाथरस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा दावा किया है। सरकार के मुताबिक हाथरस में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मुहिम के नाम पर कुछ लोगों ने बड़ी साजिश की और इस दावे के पीछे जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट है। आरोप ये लग रहा है कि वेबसाइट का मकसद ही यूपी में जातीय दंगे कराकर योगी और मोदी को बदनाम करना था। एनटीसीए विरोध की तर्ज पर इस मुद्दे को फैलाने की साजिश थी वेबसाइट की, जो स्क्रीनशॉट सामने आए हैं जिसमें साफ लिखा है कि दंगा कैसे करना है, दंगे से कैसे बचना है, कहां दंगा भड़काना है, पूरी जानकारी उसमें दी गई है। विरोध प्रदर्शन की आड़ में चेहरे पर मास्क लगाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाने की साजिश भी रची गई थी और इन सब के पीछे पीएफआई, एसजीपीआई जैसे संगठनों का हाथ होने का शक भी जताया जा रहा है। जब जांच एजेंसियों की नजर इस वेबसाइट पर पड़ी तो रातों रात वेबसाइट बंद हो गई। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। तो योगी सरकार ने हाथरस में दंगे की साजिश का दावा किया है तो विपक्ष का कहना है कि सरकार साजिश की दलील देकर बचने की कोशिश कर रही है। कि सरकार ये बताए कि जितने घटनाएं अभी हाल के दिनों में हुए हैं क्या सब में साजिश है? सरकार अपनी गलतियों से सबक क्यों नहीं ले रही? जहां कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधियों पर अंकुश लगाना चाहिए, समय रहते प्रशासनिक अधिकारियों को फौरी घटना को संज्ञान में लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करनी चाहिए, वहां सरकार इस तरह के दलील देकर बचना चाहती है और सरकार दूसरे तरफ इसको मोड़ने का प्रयास कर रही है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार इस तरह के चक्रव्यूह रचने का काम कर रही है। दरअसल सच यह है कि योगी जी अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक नया एजेंडा लेकर के आई है। आखिर परिवार क्या चाहता है? परिवार चाहता है उसको न्याय मिल जाए। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष केवल एक ही बात कह रहा है कि आप न्याय दे दो, आपको साजिश लग रहा है। कोई संवेदना व्यक्त करने जा रहा है, आप लाठी चला रहे हैं, उसमें आपको साजिश लग रहा है। हमारा एक सवाल है कि आखिर उस गांव को क्यों सील किया गया? रात में बेटी की डेडबॉडी क्यों जलाई गई? आपने ऐसा माहौल क्यों बनाया कि उस गांव में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था? और अगर ऐसा किया तो इसके पीछे कौन था? मुझे लगता है असली साजिश भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और योगी सरकार कर रही है। स्वाभाविक सी बात है कि जहां राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा राजनीति करने पहुंच जाए उसके पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हाथरस में जो घटना हुई वो दुखद है, उस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसको एक अलग रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार से एक वेबसाइट रातों रात उभर के आती है,
उसमें ब्लैक लाइव्स मैटर के अंश देखे जाते हैं। अगर ये वेबसाइट हाथरस से प्रेरित होती तो क्या इस प्रकार का ग्लोबल फुटप्रिंट उस पर देखने को मिलता? कहीं ना कहीं इसके पीछे ताकतवर फोर्सेस हैं। तो इंसाफ और सियासत के बीच परिवार क्या चाह रहा है? परिवार चाहता है कि निष्पक्ष जांच हो और उनको इंसाफ मिले, इसी बात का इंतजार हो रहा है। आज तक से बातचीत में पीड़िता की मां भावुक हो गई। को सुरक्षा चाहिए, मेरी लड़की का वो नहीं देखने मिला, क्या कह सकती हूँ। 12-1 बजे तक चलता रहा, 2-2.5 बजे बज गए, तो वो एक ऐसा है कि अपनी लड़की को मतलब वो कर दो चलो सब लोग। तो हमने क्योंकि हम नहीं जा रहे, तो माँ मैंने यहाँ हमारी बॉडी हमारी लड़की की यहाँ लेके आओ, यहाँ नहीं वही आपको चलना पड़ेगा। आप बिटिया से आखिरी बार कब मिली थी? अस्पताल में मिली थी, क्या बात हुई थी आपकी, क्या क्या उन्होंने आपसे कहा? मम्मी मुझे जल्दी ले चल, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैंने अभी ना मेरे पेरेंट तभी तो ठाड़ी खड़ी ना हो पाते, बेटा ठीक है तब तो मम्मी मैं घर ठीक है हो जाऊंगी, तुम तो मुझे ले चल घर ले चल। हाँ मेरे बेटा तेरे। आगे बढ़ते हैं सुशांत मामले में, जो सुसाइड की थ्योरी सामने आ रही है उस पर अब मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस के खिलाफ झूठा कैंपेन चलाया गया, मुंबई पुलिस को बदनाम किया गया। आयोग को, सीनियर इंस्पेक्टर को, डिप्टी कमिश्नर को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, एडवोकेट जनरल को और सी लेवल में जो रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की गई थी, उसके अलावा बाकी जितने लोग हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ना तो उनको हमारा इन्वेस्टिगेशन की जानकारी थी, ना उन्होंने हमारी रिपोर्ट देखी थी, ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे। एक मोटिवेटेड कंपेन पूरा चलाया गया हमारे इन्वेस्टिगेशन को मलायन करने के लिए एंड मुंबई पुलिस को मलायन करने के लिए। सर, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए थे, मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर टिप्पणी की थी, उनके इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए थे, अब वो पॉलिटिक्स एंटर कर रहे हैं, इस बारे में सर आपका क्या कहना है कि गुप्तेश्वर पांडे जो खुद एक पुलिस ऑफिसर थे, ही वाज हेड ऑफ अ पुलिस फोर्स इन द स्टेट, बट उसके बावजूद वो बहुत सारे आक्षेप उठा रहे थे मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन? देखिए, हमारे जो सबसे बड़ी जो इस देश की कोर्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वहाँ हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा समाधान व्यक्त किया था, सेटिस्फेक्शन दिखाई थी एंड सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर नहीं किया था सीबीआई को, बिहार का इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर किया गया था और ये आदेश दिया था कि अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अननेचुरल डेथ मुंबई पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कुछ इसमें गुनाह बनता है तो दैट एफआईआर विल बी ट्रांसफर्ड। और आगे जाके बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक और एफआईआर भी दाखिल हुआ जहाँ पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का एंड इलीगल ड्रग्स वगैरह सप्लाई करने का चार्ज भी कुछ सुशांत सिंह परिवार के सदस्यों के ऊपर लगा, वो भी एफआईआर दाखिल करके हमने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है एंड सीबीआई उसमें आगे की कार्रवाई है वो आवश्यक कार्रवाई करेगी। एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रही है, ऑटोप्सी ठीक से नहीं की गई, ऑटोप्सी रात में कर दी गई, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिए गए, प्रोफेशनल तरीके से ऑटोप्सी नहीं की गई, इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चंस रेज किए, कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा था, क्या उन पर कोई तरीके का एक्शन ले सकती है मुंबई पुलिस अब? सो जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने पूरी एविडेंस एग्जामिन की थी, सीन ऑफ क्राइम के बारे में भी बार बार सवाल उठाया जाता है कि उसकी सैंक्टिटी नहीं बना के रखी गई थी, जब तक कि डॉक्टर्स की टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एग्जामिन नहीं कर लिया था सीन ऑफ क्राइम, उसका पूरा प्रोटेक्ट किया गया था, उसके बाद ही रिलीज किया गया था। सो ये भी एक झूठा चार्ज है और उन्होंने अपना एक प्रोफेशनल रिपोर्ट सबमिट किया था जो कि हमारे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और वो भी हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दिखाया था। एक कैंपेन चलाया, किस कारण से चलाया, क्या मोटिवेशन थी, क्या वेस्टेड इंटरेस्ट थे इसके पीछे, मैं उसके बारे में कमेंट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर किसी सोशल मीडिया के जरिए या किसी मार्फत अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कुछ सेक्शंस का वायलेशन हुआ है तो अवश्य ही हम उसको एग्जामिन करना चाहेंगे एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट मुंबई में भी एक रिट फाइल की है कुछ रिटायर्ड पुलिस सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने, वो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट सुनने वाली है और उसमें भी कुछ ऐसे चैनल्स का रोल अवश्य एग्जामिन होने वाला है जो कि एक झूठा कैंपेन मुंबई पुलिस के खिलाफ, मुंबई पुलिस को डिसक्रेडिट करने के लिए, मुंबई की जनता को
का जो भरोसा है मुंबई पुलिस को, उसको हिलाने के लिए पूरा एक कैंपेन चला रहे थे। एंड मुझे विश्वास है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट उनका रोल भी अवश्य एग्जामिन करेगी इस जुरिस्डिक्शन की हेयरिंग के दौरान। 8 तारीख को उसकी डेट है। यूपी के हाथरस में एक तरफ जबरदस्त हलचल है, पीड़िता का गांव जैसे पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। हर दिन हो रहे राजनीतिक दौरों को लेकर यहां कानून व्यवस्था संभालना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। हाथरस के इस गांव में हर तरफ हंगामा बरपा है। हमदर्दी के नाम पर सियासी रोटियां सेकने का खेल चल रहा है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के दौरे हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़पें हो रही हैं, विरोध प्रदर्शन नारेबाजी का शोर चल रहा है और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठियां तक बरसानी पड़ रही है। रविवार को हाथरस का ये गांव सियासत का अखाड़ा बन गया। एसपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ऐसे में अब यहां कानून व्यवस्था संभालना पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। एसआईटी जांच शुरू होने के बाद से हाथरस का ये गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। गांव के चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा बिठा दिया गया था और किसी को अंदर आने और बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। चारों तरफ से बढ़ते दबाव के बीच जैसे ही गांव से पहरा हटा तो यहां सियासी जमघट लगना शुरू हो गया। दिल्ली और लखनऊ से राजनीतिक पार्टी के नेता पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के बहाने गांव पहुंचने लगे। सैकड़ों कार्यकर्ता भी नेताओं के साथ गांव पहुंचे और पुलिस के लिए हालात पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वहीं पीड़ित परिवार के साथ दूसरे पक्ष की तरफ से भी लोग लामबंद होना शुरू हो गए हैं। रविवार को उस समाज की एक पंचायत हुई। इन सब के बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथरस की आड़ में सांप्रदायिक दंगों की साजिश की आशंका जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में इलाके की कानून व्यवस्था संभालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कहीं ऐसा न हो कि इंसाफ की इस लड़ाई में असामाजिक तत्वों को कोई अनहोनी करने का मौका मिल जाए। हाथरस से राजेश सिंघल, मौसमी के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। बाद में यार चुनाव की कर लेते हैं, क्योंकि सीटों के समीकरण को लेकर यहां पर बीजेपी माथापच्ची कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए को एक बड़ा झटका लगा है। एनडीए के दो दल यानी कि जेडीयू और एलजेपी के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि उन्हें नीतीश के नेतृत्व मंजूर नहीं। बिहार में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। नेताओं के पार्टी छोड़ने और पकड़ने का सिलसिला जारी है। रविवार को दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी के आला कमान की लंबी बैठक चली, जिसमें नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह भी शामिल हुए। 3 घंटे की इस मैराथन बैठक में बिहार में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। बैठक के कुछ घंटे पहले ही एलजेपी ने एनडीए गठबंधन को झटका दे दिया। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दिल्ली में चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि एलजेपी जेडीयू से तो दूरी बनाएगी लेकिन बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेगी। एलजेपी ने साफ किया कि बीजेपी से मजबूत गठबंधन है, कोई कटुता नहीं है। चुनाव परिणामों के बाद
बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे। केंद्र की तर्ज पर ही बिहार में भी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। यानी एलजेपी बिहार में जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार तो उतारेगी, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा वहां वो बीजेपी का समर्थन करती दिखेगी। इसका मतलब है कि एलजेपी सिर्फ नीतीश कुमार की ताकत को कम करने की रणनीति बनाए बैठी है, और अगर इसका असर सीटों पर पड़ता है तो बीजेपी को ही सीधा फायदा होगा। अच्छा, मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या निर्णय किया, ये उनकी पार्टी है और वो निर्णय कर सकते हैं, मुझे इस बारे में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी का बड़ा फैसला, और इस फैसले से बीजेपी के दोनों हाथों में मानो लड्डू आ गया है, क्योंकि अगर कोई भिड़ंत है तो वो जेडीयू और एलजेपी के बीच में है। यानी अगर कोई फायदा हो रहा है और एलजेपी किसी को ताकत दे दी है तो वो बीजेपी है, और इस वजह से जिसका ज्यादा नंबर होगा मुख्यमंत्री उसका होगा। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने पिछले महीने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 5 बार मुलाकात की और 1 बार गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी ने 22 सीटों की मांग की थी, लेकिन उन्हें 15 से 20 सीटों का ही ऑफर मिला था। ऊपर से जेडीयू ने तो एलजेपी के साथ गठबंधन की बात ही खारिज कर दी, कहा एनडीए में है तो बीजेपी अपने कोटे से सीट देगी। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारा गठबंधन लोजपा के साथ कभी हुआ ही नहीं था। आज भी लोजपा सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये सहयोग मामला लोजपा और भाजपा के बीच में है, इसमें जदयू नहीं है। हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, जिसमें ना कोई कन्फ्रंटेशन है, ना कोई कंटेंशन है, ना कोई इश्यूज। एलजेपी का जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारना बीजेपी को भी सूट करता है और एलजेपी को भी। बिहार में बीजेपी इसे नेतृत्व के मौके के तौर पर देख रही है, तो एलजेपी अलग लड़कर भी केंद्र में सत्ता में बनी रहना चाहती है। ऐसे में अब पूरे समीकरण का खाका तैयार करना बीजेपी के आला कमान के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। कमलजीत संधु और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार चुनाव से पहले नई मुसीबत में फंस गए तेजस्वी यादव, उनके ऊपर अपनी ही पार्टी के नेता की हत्या का केस दर्ज हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा, तेजस्वी यादव जी उनको धमकी भी दिए, बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है। तेजस्वी यादव जी, अनिल कुमार साधु जी हमको बेइज्जत किए, जाति सूचक गाली दिए। इस वीडियो ने बिहार में चुनाव से ठीक पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुसीबत बढ़ा दी है। ये वीडियो आरजेडी की एसटीएसटी प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक का है। कल सुबह तड़के 3 बजे नकाबपोश हमलावरों ने पूर्णिया में उनके घर में घुसकर उनकी गोलियों से हत्या कर दी। तीन गो लड़का अंदर घुसा, मुंह में गमछा लपेट के तीन गोली मार दिया, हम पकड़ रहे थे, छोड़ा रहे थे, हमको भी कुंडी से मार के गिरा दिया, उधर मार के कुंडी लगा दिया, बस भाग गया पीछे से। आप किसी को पहचान पाए आप लोग? नहीं, मुंह में गमछा लपेटा हुआ था, तीन गो लड़का से था। शक्ति मलिक की पत्नी ने इसे राजनीतिक हत्या करार देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, उनके भाई तेज प्रताप यादव, अररिया के आरजेडी नेता कालू पासवान और अनिल कुमार साधो समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। ये मर्डर है और परिजनों का कहना है कि इंडिपेंडेंट के रूप में इलेक्शन लड़ने की तैयारी में थे, तो हम लोग सभी एंगल्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फैमिली के द्वारा जितना भी एलिगेशन लगाया जा रहा है, पुलिस इसमें निष्पक्ष रूप से एकदम काम करेगी और निश्चित रूप से जिसने भी घटना करी है जल्द से जल्द हम लोग का प्रयास रहेगा कि उसको हम लोग अरेस्ट करें और जेल भेजें। पिछले दिनों शक्ति मलिक ने तेजस्वी यादव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि रानीगंज विधानसभा सीट से टिकट के लिए तेजस्वी ने उनसे 50 लाख रुपए की मांग की है। इस पर सवाल उठाने की वजह से उन पर जाति सूचक टिप्पणी की गई और उन्हें धमकी दी गई। अगर तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है, अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी उनको धमकी भी दिए, बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है। इस तरह से हमको तेजस्वी यादव जी, अनिल कुमार साधु जी हमको बेइज्जत किए, जाति सूचक गाली दिए।